आरबीआई के नए नियमों से मची पूरे देश में खलबली। लोगों को आई नोटबंदी की याद, क्योंकि बदलने वाली है भारतीय मुद्रा। क्या फिर से लोगों को कतार में लगना होगा? क्या कहते हैं आरबीआई के नए नियम, जरा गौर से पढ़िए। देखिए अब रुपयों की जगह किसका होगा इस्तेमाल और क्या होगी नई मुद्रा, नए नियम से कितना होगा फायदा। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर दिया तेज, देश के इन 4 शहरों से हो रही है शुरुआत। देश में एक बार फिर खलबली देखने को मिल रही है। आरबीआई के नए नियमों ने लोगों को नोटबंदी की याद दिला दी है, क्योंकि आरबीआई के नए नियमों की माने तो फिर भारतीय मुद्रा बदलने वाली है और नई मुद्रा जल्द लागू होगी। आरबीआई के नियमों की माने तो नई मुद्रा ऐसी होगी कि कैश की जरूरत नहीं होगी। लेकिन लोगों का सवाल है कि अगर कैश की जरूरत नहीं होगी तो फिर लोग पेमेंट कैसे करेंगे? तसल्ली रखिए, खबर के आखिर तक पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों को नोटबंदी जैसा कुछ होने का डर सता रहा है, तो फिर वो लोग भी इस खबर को दिल थाम कर पूरा जरूर देखें। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रूपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रूपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। इस टेस्ट से मिली लर्निंग पर रिटेल डिजिटल रूपी में बदलाव होंगे। आरबीआई की माने तो पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का क्लोज ग्रुप होगा, जो चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। ई रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि जो लोग नोटबंदी जैसा कुछ होने का डर जता रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं होगा और ऐसा कोई फैसला लागू होने नहीं जा रहा है जिससे कि आपको कतार में लगना पड़े। आरबीआई की माने तो नई योजना के मुताबिक यूजर अपने मोबाइल फोन और डिवाइसेस में डिजिटल वॉलेट रख सकेंगे। डिजिटल वॉलेट से पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को क्यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा। ई रूपी को पैसों के अन्य रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों को चुना गया है, लेकिन पहले चरण की शुरुआत देश भर के 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक से होगी। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत 4 और बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। पायलट प्रोजेक्ट शुरू में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा और धीरे धीरे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी और हैदराबाद, इंदौर, कोच्ची, लखनऊ, पटना और शिमला तक विस्तारित होगा। अधिक बैंकों और अधिक शहरों को धीरे धीरे शामिल किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। 1 नवंबर को रिजर्व बैंक ने होलसेल ई रूपी का पायलट लॉन्च किया था। ये केवल बड़े वित्तीय संस्थान, जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थानों के लिए है। इसके लिए एसबीआई, बीओबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना था। ई रूपे यानी डिजिटल करेंसी और वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसको भी फिजिकल करेंसी की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ई रूपे से जेब में नकदी रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये भी मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। इसे रखने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी। इसे कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। अनजान व्यक्ति को जानकारी शेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निजता बरकरार रहेगी। सबसे पहले नकदी पर निर्भरता घटेगी। फिजिकल रुपए को छापने की लागत घट जाएगी। नकद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में भी मदद मिलेगी। लेन देन की लागत घटाने में भी मदद मिल जाएगी। तो जिन लोगों को लग रहा है कि भारतीय मुद्रा जब बदलेगी तो उन्हें नोटबंदी की जगह कतारों में लगना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।